मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के बाद भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ भी संक्रिय होता नजर आ रहा है। किसानों की मांगों व तीन कृषि कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर अब भारतीय किसान संघ अब देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर 8 सितंबर को प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री से कृषि कानूनों के संशोधन में मांग करेगा। यह बात भारतीय किसान संघ के विभाग संगठन मंत्री सुंदर लाल ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे न मानना सरकार के अहम को दर्शा रहा है। तीन कृषि कानून सरकार ने पास किए। भारतीय किसान संघ पहले दिन से ही इन कृषि कानूनों के विरोध में है। हम कुछ संशोधनों की मांग कर रहे हैं और उन संशोधनों के लिए हमने गत वर्ष ही प्रधानमंत्री को पूरे देश के 24,000 गाँव से ईमेल किए, जिनमें 1,070 गाँव हरियाणा के थे। दुर्भाग्य का विषय है, सरकार ने उन ईमेल का कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। उसके बाद गत 7-8 अगस्त को भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक झिझोरली सोनीपत में हुई। तीन दिन में चिंतन करके विचार किया कि सरकार को दोबारा से जगाया जाए, तो 11 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया। जो सुधारों की हमने मांग की है, उन सुधारों के साथ साथ किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और उसके लिए संसद में कानून बने, इसके लिए केंद्र सरकार को 31 अगस्त तक का समय दिया गया। 31 अगस्त तक यदि सरकार इस बात का जवाब नहीं देती तो तय किया गया कि 8 सितंबर को पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन करके पुनः जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देगा। यदि 8 सितंबर के बाद भी सरकार बातचीत के लिए नहीं बुलाती या इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लेती तो फिर भारतीय किसान संघ आगे की रणनीति बनाएगा। भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।